हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जेई मेंस 2023 की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, ये बहुत क्वेश्चन माइंड में चल रहा है। मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि आपको सीबीएसई ने पहले से बता दिया है कि सीबीएसई का एग्जाम फेब में स्टार्ट होगा, 15 फेब के आसपास बोला जा रहा है। यानी अगर फेब में स्टार्ट हो रहा है तो पेपर आपके जो है वो फेब और मार्च मार्च पूरा निकल जाएगा पेपर में। अगर जेई मेंस का पेपर अगर बोर्ड एग्जाम के बाद होता है तो इसका मतलब फिर वो अप्रैल में होगा, और अप्रैल के 1 महीने के बाद फिर आपको आपको पता 2 मिलेंगे आपको, ठीक है? तो सेशन 1 और सेशन 2, तो अगर वो अप्रैल में होगा तो वो फिर मई में होगा, और बल्कि पहले सेशन और दूसरे सेशन में 2-3 महीने का डिफरेंस भी होता है। तो अगर ऐसा रहेगा तब तो यार बहुत डिले नहीं हो जाएगा? अप्रैल में हुआ, फिर आपका मान लो 2 महीने का गैप दे दिया, फिर वो जून में जाके हो रहा है, और फिर आपको 1 महीने गैप एडवांस के लिए मिलेगा, तो वो जुलाई अगस्त तक पहुंच जाएगा, ठीक है? और आपको पता है कॉलेज के एडमिशन भी होने होते हैं, और ऐसा कोई सिचुएशन खराब अभी चल नहीं रही है, ऐसा कुछ कोरोना केसेस नहीं है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एनटीए यही चाहेगा सारी चीज टाइमली हो जैसे पहले होती है। तो आप ये एक्सपेक्ट करें चलिए कि आपका पहला अटेम्प्ट जैन में हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 15th को होगा, ये हो सकता है आपस में डिस्कस हो कुछ, ठीक है? बोर्ड एग्जाम की डेट शीट के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं फिलहाल आप ये मान सकते हो। क्यों? क्योंकि एक पेपर बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगा तो 2-3 महीने का जो गैप है उसमें आपका बोर्ड एग्जाम भी निपट जाएगा, और बाद में जैसे अप्रैल में पहले होता था वैसे ही अप्रैल में आपका ये पेपर ले लिया जाएगा सेशन 2 वाला। तो आपका एक हो जाएगा जनवरी में, एक हो जाएगा अप्रैल में, 1 महीने के गैप के बाद आपका एडवांस का पेपर होगा। यही मेरे साइड से एक्सपेक्टेड है और यही सब एक्सपर्ट बोलते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस चीज से, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए और यही कंटेंट के लिए जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।